शादी तो ऐसा फैसला है जिसमें बड़ों का फैसला पहले जरूरी है। अम्मू, हाँ? तू सबसे बड़ी है, अगर तू हाँ कहती है तो मैं भी हाँ कह दू। ना की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ मुक्ता से एक साल छोटी और मक्खी की शादी भी पक्की हो गई। पहले भी इस घर में यही हुआ था और आज भी वही। बाकी तो राम ही राखी। मैं अभी मिठाई लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, बिना मुंह मीठा किए मैं तुम्हें यहाँ जाने नहीं दूंगी। नहीं नहीं टीचर दीदी, आप लोगों का आशीर्वाद मिल गया, बस मेरा मुंह मीठा हो गया। खुश रहिए, मेरी मीठी को हमेशा खुश रखना। वचन देता हूं आपको, मीठी को वो सब कुछ दूंगा जिसकी वो है। और जो कुछ टीचर दीदी से मिला है सारा हमेशा खुश रहना। ऑल द बेस्ट। कुलवंती जी, जब से लल्ला अस्पताल से आया है तब से कुछ परेशान सा रहता है। वो सब ये तपस्या की वजह से। तपस्या की वजह से? हाँ, न जाने क्या क्या झूठी बातें कहती रहती है उसे। झूठी बातें? कैसी झूठी बातें गुणवंती? हमें कैसे पता, बस एक दो बार हमने उसे वीर के कमरे में देखा, बातें कर रही थी। न जाने क्या चाहती है वो। एक बात हम बोलना भूल ही गए आपसे, वो तो अमला को भी उकसा रही थी तलाक लेने के लिए। तलाक? इतनी बड़ी बात गुणवंती तुमने मुझसे छुपाई क्यों? कौन सा मंदिर है? चलो माई 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 माई, हम तुम्हें यहाँ इसलिए छोड़ के गए थे ताकि हम तुम्हें एहसास दिला दें कि तुम्हारी औकात क्या है। आप फिक्र मत कीजिए, हमने अमला को समझा दिया है, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। वैसे वीर के साथ तो हम हमेशा नहीं रह सकते, इस तपस्या का क्या करें। एक बात कहे आपसे, तेज को तो हमने आधी जायदाद दे ही दी है ना, उसे हम घर से निकाल नहीं सकते। नहीं गुणवंती, अब वो इस घर से कभी नहीं जाएगा। लालची का लालच कभी खत्म नहीं होता। ओ, इसका मतलब तपस्या से हमें छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। Dad?
चंदा दीदी। चंदा दीदी कोई तो ऐसा सबूत होगा जो चंदा दीदी और वेद सिंह से खिला। जासूसी ना, आप हमेशा हमारे बारे में गलत सोचते हैं। जासूसी हम अपने घर में क्यों करेंगे? अरे रिश्ते के नाते चंदा हमारी भांजी भी तो देखने आए थे, ठीक से रहती है कि नहीं, कोई तकलीफ है कि नहीं, या फिर किसी ने फिर से उसका अपहरण कर लिया। अपहरण तो होगा, चंदा का नहीं, किसी और का। हमारा जख्म किसी और को, दर्द को मज्जा इसी में है। पत्नी परमेश्वरी जी हमसे शादी करने का वचन दो तो बुढ़िया ने, वो अनारकली हमारे जलपरी। खबरदार, हमारी बेटी का नाम तक लिया। ऐ जलपरी की माँ, कछु ना कर पाओ, ऐसे उड़ जाएंगे उसे लेके फुर्र से, घूमते रहना अकेले इस घर में फुर्र से। नारकली जानवर कहीं का, मुक्ता बेटा कैसी हैं आप? हम तो ठीक है माँ, लेकिन आप इतनी रात को, आप ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, हम बस पढ़ाई कर रहे थे। ओह सॉरी, हमने आपको डिस्टर्ब किया। ऐसे ही आपकी याद आई तो। अच्छा आप जब कॉलेज जाती हैं तो उसके बाद सीधे घर आते हैं या फिर आपके कोई एक्स्ट्रा क्लासेस या कुछ? दरअसल हम इसलिए पूछ रहे थे कि अगर एक्स्ट्रा क्लासेस या कुछ भी हो तो कुछ दिनों के लिए सीधे सीधे घर आ जाइएगा, कहीं जाइएगा मत। क्यों माँ, क्या हुआ, कोई चिंता की बात है क्या? ऐसे उड़ जाएंगे उसे। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस हालात से अभी हम गुजर रहे हैं,
इसीलिए हमने सोचा आपसे बात कर ले इस बारे में। जी माँ, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कह रहे, ठीक है? लव यू बेटा। लव यू टू माँ। गुड नाइट, फिर से जल्द मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट। ये क्या लल्ला, रोज रोज बच्चों की तरह तुझे दूध पिलाना पड़ता है। ले दूध पी ले। सोया क्यों नहीं अब तक? नहीं, मेरा मन नहीं है। तो क्यों बार बार मुझे दूध पिलाने पे लगी रहती है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? हम चाहते हैं कि तू जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब बच्चों की तरह जिद मत कर और दूध पी ले, चल। चल सो जा। क्या चिंता करता रहता है? चिंता मत कर, चल सो जा। माई, क्या तुझसे एक सवाल करूंगा, फिर सच जवाब देगी। ये कैसा सवाल है? हमने तुझसे कभी छुपाया है कुछ? इच्छा और मेरे बीच में क्या हुआ था, मैं जानना चाहूंगा। क्यों पुरानी यादें लेकर बैठा है, क्या फायदा है? जानना चाहता हूं भाई कि मेरी यादों को हुआ क्या है, एक एक चीज जानना चाहता हूं, बताओ। कितनी बार बताया तुझे, वो लड़की हमारे लायक ही नहीं थी। क्यों, क्या कमी थी उसमें? वो एक नौकरानी की बेटी थी। तो? और ऐसे लड़कियों में कोई संस्कार नहीं होते, कम से कम हमारे परिवार के लिए तो नहीं। वो बस एक बड़े घर की बहू बनना चाहती थी, दौलत की लालची थी वो, इसीलिए वो किसी भी कीमत पे तुझे हासिल करना चाहती थी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, तेरी शादी तपस्या से हो गई। न जाने क्या दुश्मनी थी उन दो लड़कियों का हमारे साथ, जीना हराम कर दिया हमारा निर्लज इच्छा ने। विदा होने के बाद भी तुझे अपने जाल में फंसाया और तूने हम सबकी एक न माने और उससे शादी कर ली, और फिर युवराज हुआ। फिर एक दिन अचानक न जाने क्या हुआ, बस वो सब छोड़कर चली गई वापस कभी ना आने के लिए। उसी दौरान तेरा एक्सीडेंट हुआ और तेरी याददाश्त चली गई। लल्ला, हम तो कहते क्या जरूरत है उसे याद करने की, भूल जा उसे, वो हमारे लायक नहीं है, भूल जा उसे। और कोई सवाल?
सो जा। तुम तो जानते हो कि सच क्या है, तुम गवाह हो। उस एक एक हादसे से जिससे मैं गुजरा हूं, एक एक हादसे से रोकने की कोशिश मत कीजिए। आप मेरी खुशी चाहते हैं ना? मेरी खुशी इसी में है भी। मुझे अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने दीजिए। आप प्लीज यहां से चले जाइए। आपका नाम? अभी यहाँ पे मुझे टीचर जी कहते हैं। आप ही टीचर जी कहिएगा। अच्छा, कितनी बार मेरे सामने आई तुम, एक बार मुझसे कह देती कि तुम मेरी इच्छा